करते हैं उससे। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी ये सब हो गया था क्या? हेलो, यस सर। हाँ चलो, लेक्चर 3 है आज नहीं? यस सर। हेलो, एक मिनट रुको। लेक्चर 3 है सर। नहीं नहीं, क्या लैन वाली सोना तो हेलो 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 हेलो, यस सर। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर, आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। 3 है ना? हाँ, ये हो गया था क्या तुम लोग का रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी? बताओ। यस सर। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिए थे तुम लोग को, तो चलो एक क्वेश्चन करो। तो एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन पहले ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से करना। 1 mole of SO3 was placed in a vessel of 1 liter capacity at a certain temperature and the following equilibrium was established. At equilibrium, 0.6 moles of SO2 were formed. The दिख रहा है सबको ना? हेलो 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 हेलो, यस सर। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। यस सर। चलो ट्राई करो जल्दी से, 5 मिनट का टाइम है, ठीक है? ट्राई करो, उसके बाद आगे करते हैं। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बताएं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने वैसे ही करो, आराम से बन जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। तो 0.675 0.675, हाँ करेक्ट है, ऑप्शन डी। पिछले क्लास में क्वेश्चन लगता हो चुका है, क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले क्लास में। यस सर। तो फिर बताते क्यों नहीं हो, तो दूसरा क्वेश्चन कराएंगे ना। ये हो गया पक्का? यस सर हो गया। चलो तब तो हो ही गया। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। A vessel at 1000 Kelvin, ये भी हो गया क्या? Contains, चलो लिखो, vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm, ठीक है। Next is sum of the CO2 is converted into CO . What is the value of Kp if the चलो ठीक है। और ये इक्वेशन है, इसका इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, CO2 प्लस कार्बन सॉलिड और ये 2CO गैस, ठीक है। बनाओ इसको, ये नहीं हुआ है ना ये वाला? नो सर। ट्राई करो। हम ला रहे हैं क्या? हो गया। हेलो, बना रहे हैं सर। बनाओ जल्दी करो थोड़ा। क्या बनेगा ये बताना है। हेलो हेलो बनेगा या बताना है। हेलो हुआ कैसे से? हेलो हेलो जी बता दी। देखो क्वेश्चन है क्या बोला गया। देखो ये इक्वेशन पहले ढंग से देखो क्या बोला गया। ए वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 विथ ए प्रेशर ऑफ 0.5 एटीएम। तो सिर्फ उसमें CO2 है इनिशियली और उसका प्रेशर दिया हुआ 0.5 एटीएम। और क्या बोला गया सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन एडिशन ऑफ ग्राफाइट। तो इसमें सॉलिड अगर ऐड करोगे उसमें, क्योंकि ग्राफाइट जो है वो सॉलिड फॉर्म में ऐड होगा, तो सॉलिड का तो हम लोग उसका कोई पार्शियल प्रेशर होता है क्या? सॉलिड पार्शियल प्रेशर मेनली हम लोग किसका कंसिडर करते हैं? गैस के लिए, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड का कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सॉलिड या लिक्विड अगर होगा तो उसका तो पार्शियल प्रेशर 0 लेना है हमको, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0 नहीं लेता है, मतलब उसको कंसिडर नहीं करते हम लोग, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सॉलिड या लिक्विड का कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ गैस का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले अच्छे से लिखो, CO2 गैस और कार्बन सॉलिड, और ये सॉरी ये तो इक्विलिब्रियम वाला साइन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 2CO गैस। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है बता सकते हो? इनिशियली किसका मोल्स, सॉरी इनिशियल मोल्स यहाँ नहीं है, डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर के टर्म में ही है। डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ही है ना। हेलो, तो इसका इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना है? CO2 का बताओ तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? CO2 का इनिशियल पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन पढ़ के बताओ जल्दी। 0.5 एटीएम। 0.5 एटीएम। हाँ, तो 0.5 एटीएम ये तो 0, इसका तो कुछ नहीं होगा, तो 0 नहीं, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डैश ले देना क्योंकि सॉलिड का कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं होता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनिशियली तो ये है नहीं क्योंकि इनिशियली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो इसका x अमाउंट से पार्शियल प्रेशर इसका कम हो गया होगा, ठीक है। तो ये अगर x से कम होगा तो ये कितना, इसका पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ेगा बताओ? 1 से 2 होता है, तो ये अगर x से कम होगा तो ये कितना होगा बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा? अगर ये x से डिक्रीज करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितने से बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर बताओ? 2x, क्योंकि 1:2 का रेशियो, तो ये 2x हो गया। चलो तो ये 2x हमको मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 एटीएम। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो 0.8 एटीएम है, मतलब टोटल प्रेशर ऐड कर लो। टोटल प्रेशर कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो सारे प्रेशर जितना भी प्रेशर है सबका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो वही टोटल प्रेशर देगा। तो 0.5x और प्लस 2x, ये कितना हो गया? 0.5x और प्लस 0.5 और प्लस x हो गया। और ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 प्लस x का वैल्यू कितना है? 0.8 एटीएम है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बताओ? एक्स कितना आ गया यहाँ से 0.3। आप केपी निकाल सकते हो, केपी फाइंड आउट करना है तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ एट इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और इस पे तो पावर 1 ही रहेगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। चलो वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हो गया? अरे इतना टाइम क्या लगा रहे हो यार सर। 1.8 से केपी हो गया, वैल्यू पुट करोगे 1.8 और यूनिट क्या होता है इसका 1.8 जो भी आएगा 8 यूनिट एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी था, ये तुम लोग को बताए थे। 1.8 एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे। डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का कितना होगा बता सकते हो? इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैलकुलेट करो तो डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा एनजी 1 है तो पावर तो 1 ही हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1.8 एटीएम हो गया सर। क्योंकि डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट का मोल्स 2 है और गैसियस रिएक्टेंट 1 है, तो 2 - 1 ये 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसमें अब किसी को डाउट है? देख लो एक बार, बोलो हेलो। इसमें पूछ, चलो तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन का मान लो कोई भी एक इक्वेशन है a+b, इसके लिए हम a+b और ये c में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc दिया हुआ है। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, रिवर्स करके मान लो ये c+d है, तो अब इस इक्वेशन को अगर रिवर्स करके लिख दें हम लोग c+d और ये a+b हो गया। तो अब इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो केसी डैश है, तो केसी डैश और केसी में क्या रिलेशन होगा? कोई रिलेशन होगा या सेम होगा दोनों? बता सकते हो? अगर कोई भी एक गिवन इक्वेशन के लिए हमको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, उस इक्वेशन को रिवर्स करने पे उसके केसी पे क्या फर्क पड़ेगा या उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो ये हम पॉइंट वाइज करके लिख देते हैं। इफ वी रिवर्स एन इक्वेशन, इफ वी रिवर्स एन इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस इक्वेशन का केसी या केपी क्या हो जाएगा? इस इन्वर्टेड, मतलब वो भी उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्वेशन को अगर रिवर्स करके लिखोगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। जैसे मान लो पहले वाले इक्वेशन के लिए मान लो अगर केसी था 10, तो दूसरे वाले के लिए केसी डैश क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? अगर पहले वाले इक्वेशन के लिए केसी 10 है और इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिए तो सेकंड वाले इक्वेशन का केसी क्या हो जाएगा? 0.1। 1/10 हो गया तो 0.1। ठीक है, तो इसमें इन्वर्ट कर रहे हैं तो 10⁻⁻1 लिख देते हैं। 10⁻⁻1 मतलब क्या हुआ? 1/10। तो ये पहला चीज है। सेकंड, इफ वी मल्टीप्लाई, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई ईच ऑफ द कोएफिशिएंट, इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन by factor n, then equilibrium constant is raised to the same factor. ठीक है, ये चीज ध्यान देना। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन दिया हुआ है 12 N2 + 12 O2 और ये बना रहा है NO। ठीक है, इस इक्वेशन का केसी दिया हुआ है 5 और तुमसे पूछा गया इस पूरे इक्वेशन को, ये दोनों साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे N2 + 2 और ये हो गया 2NO। तो बताओ तो इसके लिए केसी डैश क्या हो जाएगा? अगर पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसके केसी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो लिखा हुआ है ऊपर, तो उसको अप्लाई करके बताओ केसी डैश दूसरे वाले इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हेलो हेलो, अरे आवाज आ रहा है तुम लोगों को? सर ये भी उसके into 2 हो जाएगा। into 2 होगा या रेस टू पावर है ना, तो पावर में चला जाएगा ना वो। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो नंबर जो है उसके पावर में चला जाएगा। वही चीज तो लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज्ड टू द सेम फैक्टर। मतलब जिस नंबर से हम लोग पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर 2 हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 20। तो जो लिखे हैं वो पढ़ते भी नहीं हो गया। नेक्स्ट अगर यही चीज हम लोग करें, वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, नेक्स्ट हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, इफ वी डिवाइड ईच ऑफ द कोफिशिएंट, तो इसमें बताओ क्या होगा? इफ वी डिवाइड ईच ऑफ द कोफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, by the factor n, then new equilibrium constant क्या हो जाएगा इस केस में बताओ? Is the nth root of the previous value, ठीक है, nth root of the previous value। ठीक है, मतलब जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे n से, अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर n हो जा रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, n से अगर डिवाइड करोगे तो उसका रूट लेना पड़ेगा हमको। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2SO2 + O2 और इसके लिए हमको दिया हुआ है 2SO3, इसके लिए केसी दिया हुआ है 25। ठीक है, हमको पूछा गया है इस इक्वेशन के लिए केसी पूछा गया है SO2 + ½ O2 और ये SO3, इसके लिए केसी डैश का वैल्यू क्या होगा बताओ तो जल्दी बताना। डायरेक्ट लिखा हुआ है क्या क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उतना उसका रूट लेना होगा हमको। तो 2 का रूट लेते हैं तो मतलब स्क्वायर रूट लेना होगा हमको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो केसी डैश इस इक्वेशन, मान लो अगर 3 से डिवाइड करते तो वहाँ पे क्यूबिक रूट लेना पड़ता, 4 से डिवाइड करते तो 4th रूट लेना होता, 5 से करते तो 5th रूट, तो उस तरह से कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे अगर उस नंबर से, सेम नंबर से n से, तो वही नंबर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा। डिवाइड करेंगे तो उसका रूट लेना होगा हमको, उतना ही नंबर का रूट। चलो नेक्स्ट है इसमें कि ये मान लो इस टाइप का अगर कोई केस दिया हुआ है कि ए से बी कोई रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, फिर उसके बाद बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम है, इसका रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसके बाद सी से डी ये आपस में इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। अब तुमसे पूछा गया कोई भी रिएक्शन ए से डी जा रहा है डायरेक्ट, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बता सकते हो? K1, K2 और K3 के टर्म में तुमको बताना है। बता सकते हो कितना होगा सर? तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तीनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो इस इक्वेशन के लिए K1 into K2 into K3, ये ध्यान रखना। तो A से D के लिए डायरेक्ट अगर तुमसे पूछा जाए तो उसका K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑपरेशंस तुमको क्वेश्चन में अगर मान लो मैनिपुलेट कर दिया गया है, क्वेश्चन में अगर यूज करना पड़े तो ये सब तुमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये सब ध्यान रखना, क्योंकि कहीं भी ये सब जरूरत पड़ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को देख के हम लोग उससे क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, मतलब क्या वो बताता है। तो यहाँ पे तीन चीजें ये ध्यान रखना कि अगर मान लो किसी भी इक्वेशन के लिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और वो बहुत ही लार्ज वैल्यू है, अगर वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिख लो। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ KC और KP, ये क्या सिग्निफाई करेगा? किसी भी इक्वेशन के लिए अगर KC या KP का वैल्यू बहुत ही लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अगर बहुत कम होगा और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब वो रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो गया है? कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, मतलब सारा रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। So we can say that it signifies that the forward reaction, इस केस में forward reaction क्या है? goes to completion और very nearly so। ठीक है, पूरा complete नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है 100% तो वो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम लोग नियरली बोल रहे हैं कि वो क्लोज टू कंप्लीशन होगा, मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हैं कि वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन। तो ये मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन के लिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत ही लार्ज वैल्यू होगा, सो वो सिग्निफाई कर रहा है कि उसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ये चीज अगर हम लोग उल्टा करके बोल दें कि स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर KC या KP का बहुत ही स्मॉल वैल्यू अगर हम लोग ले लें, दिया हुआ है अगर इक्वेशन में, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? डैट। तो इसके इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम हो रहा होगा। अगर KC या KP का वैल्यू बहुत ही कम दिया हुआ है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में बहुत कम जा रहा होगा, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट जा रहा होगा। उसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, या हो भी रहा है, या तो नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हो भी रहा है तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट सिग्निफाइज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन डज नॉट अकर टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि KC या KP का वैल्यू अगर बहुत ही लार्ज है तो वो सिग्निफाई करेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, और KC या KP का वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है, दैट सिग्निफाइज दैट कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो बिल्कुल कम एक्सटेंट में हो रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल एक्सटेंट में हो रहा है, कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू वो शो नहीं कर रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये मतलब हुआ है सब सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो क्लियर है ना। हेलो, यस सर। चलो तो ये समझ आ गया अगर, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन कोशेंट। इसमें टर्म आता है नेक्स्ट, रिएक्शन कोशेंट। चलो रिएक्शन कोशेंट क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिएक्शन कोशेंट है क्या? एक्चुअली इससे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जैसा एक्सप्रेशन लिखते थे हम लोग, रिएक्शन कोशेंट का भी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं, वो हर एक कंसंट्रेशन पे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन रिएक्शन कोशेंट जो है वो रिएक्शन के किसी भी टाइम पे लिखा जा सकता है, आइदर वो इनिशियल स्टेज पे या बीच वाले स्टेज पे या एंड के स्टेज पे, कभी भी हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पे डिफाइन कर सकते हैं रिएक्शन कोशेंट को। और ये रिएक्शन कोशेंट के वैल्यू को कंपेयर करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमको ये पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो किस डायरेक्शन में उसको जाने से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इधर फॉरवर्ड जाने से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा या बैकवर्ड जाने से। ठीक है, तो एक्चुअली रिएक्शन कोशेंट को हम लोग बोल सकते हैं it is used to predict the direction of reaction, to attain equilibrium। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करने से, आइदर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से इक्विलिब्रियम अटेन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है। तो रिएक्शन कोशेंट का तो यूज इसलिए किया जाता है। अब रिएक्शन कोशेंट का नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन कोशेंट, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट क्यू has the same expression as K equilibrium। ठीक है, मतलब equilibrium constant का जैसे एक्सप्रेशन होता है उसका एक्सप्रेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा, बट ये डिफरेंस है केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट में, बट it can be defined at every moment of the reaction। ठीक है, at every moment of the reaction, whereas K equilibrium मतलब equilibrium constant can be defined, equilibrium constant को कब define कर सकते हैं? only at the equilibrium of the reaction, only at the equilibrium state। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होगा, लेकिन रिएक्शन कोशेंट को हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, अब इसके तीन केसेस बनते हैं कि कैसे ये डायरेक्शन, रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ तीन केसेस बनता है। ठीक है, 3 केसेस आते हैं यहाँ पे। पहला केस ये है कि किसी भी इक्वेशन के लिए एक क्वेश्चन कराएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन के लिए के निकालोगे, जैसे मान लो ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है, और ये सी गैस, ये इस टाइप का रिएक्शन है। तो इसके लिए अगर तुमको क्यू डिफाइन करना हो, ठीक है, मान लो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है अभी, तो क्यू क्या लिखोगे? जैसे हम लोग लिखते हैं के इक्विलिब्रियम में, वैसे इसका एक्सप्रेशन तो सेम होगा। तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू पावर, वही जो होता है उसका कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर, सब में 1 है तो पावर 1 ही होगा, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। अगर Q का वैल्यू लेस देन KC है किसी भी टाइम पे, अगर डिफाइन किए Q का वैल्यू अगर KC से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है। Q का वैल्यू KC से कम है मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है अभी कम है, मतलब जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना अटेन नहीं हुआ है अभी। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अभी उतना अटेन नहीं हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना होगा बताओ। तो अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड बताओ। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हेलो बताओ। आवाज आ रहा है? हेलो 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 ऋषि। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? सर फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो प्रोडक्ट तो उसको किस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट हैंड साइड में ही मिलेगा ना, तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग Q का वैल्यू, अगर ये चीज ध्यान रखना Q अगर लेस देन KC है तो इसका मतलब द नेट रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पहला तो यही केस हो गया Q इज लेस देन KC। और नेक्स्ट केस है Q ग्रेटर देन KC। Q ग्रेटर देन KC मतलब जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चाहिए था इक्विलिब्रियम पे वो उससे एक्सीड कर गया है, तो अब वापस से वो इक्विलिब्रियम में अटेन, इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को कम करना है। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाना है उसको, तो ऑब्वियसली उसको घटाने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Q अगर ग्रेटर देन KC हो गया तो द नेट रिएक्शन बोल सकते हो इसमें प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये राइट टू लेफ्ट कौन सा हो गया, फॉरवर्ड या बैकवर्ड बताओ। तो बोलो फॉरवर्ड हो गया, हाँ, तो इसको बैकवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, बैकवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन। ये सेकंड केस हो गया। तो ये केसेस ध्यान रखना, अभी एक क्वेश्चन देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा केस तो Q इक्वल टू KC। तो Q इक्वल टू KC कब होगा, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब Q और रिएक्शन कोएफिशिएंट और K इक्विलिब्रियम अगर बराबर हो गया, तो वो कब हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे ही होगा, तो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये है तीन केसेस, यहाँ पे ध्यान रखना Q ग्रेटर देन KC, Q लेस देन KC और Q इक्वल टू KC। Q अगर लेस देन KC है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, Q ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और Q इक्वल टू KC है इसका मतलब वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे ही है। ठीक है, चलो अब सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे लिख लो, ऐसे ही लिख लो पूरा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। A gas plus B, C gas plus D gas, which contains four moles initially of each reactant and product. The K equilibrium is given as 0.25. ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में बोला गया है कि 4 मोल्स सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इनिशियली गिवन है तुमको, और इसका के इक्विलिब्रियम तुमको दिया हुआ है 0. मतलब KC, चलो KC लिख लो, KC इस रिएक्शन का 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर in which the reaction takes place is 1 liter. ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है। तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलो, तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट का, क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको अप्लाई करो, ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अप्लाई करो जैसे बताए, अपने आप समझ आ जाएगा। हो गया। हम्म हेलो हेलो, हुआ क्या? हो गया या बताना है मेरे को? बोलो। बोलो सर, बता दीजिए। नहीं बना, कुछ भी नहीं बन रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छा से। रिएक्शन क्या है? ए गैस प्लस, सिंपल सा ही रिएक्शन है, इसमें तो 1:1 का ही रेशियो है। इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? चलो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है सारे का बताओ तो, कितना दिया हुआ है सबका इनिशियली? हेलो, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स? सर 4 मोल्स सबका, इसका भी 4 4 4 4, इनिशियली 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हमको पता नहीं है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो वो तो क्यों निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे केसी से तभी पता चलेगा। तो हम इसी इनिशियल कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं इनिशियल। तो ये तो मोल्स है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर ही है, तो सबको 1 से डिवाइड कर दोगे, 4/1 4/1, ये भी 4/1 और ये भी 4/1, तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो 4 ही हो गया। तो इसके लिए पहले हम लोग QC निकाल लेते हैं। तो QC क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, सब पे पावर 1 ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो सबका कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 4 × 4 और ये 4 × 4, क्या हो गया? QC का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 1। QC कितना? 1 हो गया। तो QC अगर 1 हो गया, रिएक्शन कोशेंट 1 है, अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करोगे तो Q और KC दिया हुआ है 0.25 और Q आया है 1, तो ये KC से कम है या ज्यादा है? कौन सा केस आ गया यहाँ पे? KC से ज्यादा है, Q ग्रेटर देन KC। तो इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि रिएक्शन शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जा रहा है, टू एटेन बैकवर्ड डायरेक्शन, टू एटेन इक्विलिब्रियम। चलो अब ये हमको पता चल गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तब यहाँ फिर से लिखो, ए गैस प्लस बी गैस और ये C गैस और प्लस D गैस। इनिशियली सबका मोल्स हमको पता है 4 4 मोल्स था इनिशियली। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो N एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अब बैकवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा ना, ये मान लेते हैं X से कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन X से कम हो रहा है, तो 4 - X, ये 4 - X। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया। इधर क्या लिखोगे इन दोनों में? 4 पहले से था, अब इन दोनों का बढ़ेगा कितना? ये दोनों अगर X से कम होगा तो बढ़ेगा कितना इन दोनों का, बोलो? एक्स से बढ़ेगा तो 4 + x और ये +x। बात समझ में आ रहा है क्यों हम लोग लिखे हैं, क्योंकि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे KC हम लोग लिख सकते हैं। KC क्या आ जाएगा, चलो अभी तो सिर्फ ये मोल्स है, कंसंट्रेशन भी तो निकालना होगा ना। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो वॉल्यूम तो 1 ही है तो बाय 1 ही करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 - x/1 और ये 4 - x/1। चलो अब नेक्स्ट स्टेप KC। KC क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। यही होगा, सब पे पावर 1 नहीं होगा, क्योंकि KC का तो वैल्यू एक बार दिया हुआ है, वो तो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो KC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। और इधर से C का कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन, बताओ 4 - x और ये भी 4 - x, तो 4 - x का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो गया 4 + x का होल स्क्वायर। यही हो गया ना। हेलो। और ये 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, 0.25 को। चलो अब इसको सॉल्व करके तुम लोग x का वैल्यू निकालो, क्योंकि x अगर पता चल गया तो हम लोग तो इक्विलिब्रियम पे सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकाल ही सकते हैं। तो x सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो x सॉल्व करो कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी करो, x आ गया। हेलो। हेलो, बना रहे हैं सर। अरे जल्दी करो, 4 - x। कितना आया, आ गया ना x आया किसी का, बताओ बताओ जल्दी। हेलो हेलो, हेलो हेलो, अरे आ गया। हेलो ऋषि, आया एक्स का वैल्यू। सर फिर से थोड़ा सा दिखाई नहीं देती। चलो ठीक है, एक्स का वैल्यू कर लेना, तुम लोग सॉल्व कर लोगे ना अब। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए ना। ये हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ली चैटलिस प्रिंसिपल आगे करेंगे। तो ये सॉल्व कर लेना तुम लोग, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो एक कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, वहां से लिख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में ली चैटलिस प्रिंसिपल करते हैं, ठीक है।